कोरोना महामारी से देश में संकट बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4000 को पार कर चुका है और इसके साथ ही अब तक 114 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। वहीं असम के धुबरी जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव सामने आया है, यानी अब तक राज्य में कुल 27 मामले हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 693 नए मरीज सामने आए हैं और मरने वालों में 73% पुरुष और 27% महिलाएं शामिल हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले 34% लोगों की उम्र 42 से 60 साल के बीच और 40 साल से कम उम्र के 47% मामले सामने आए हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रीत, देखिए लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी 4000 को पार कर चुका है, क्या अपडेट फिलहाल? देखिए मनीषा, अब तक जो देश भर में मामले आ चुके हैं 4421 मामले आ गए हैं, लेकिन इसमें से 325 ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन इसके बाद ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो चुके हैं। 325 ऐसे पेशेंट है। हालांकि जो डेथ है अब तक जो कोरोना के मरीजों की, वो तो 114 ऐसे पेशेंट है जिनकी डेथ हो गई है। पिछले 24 घंटों के अगर आंकड़े की बात करें तो 354 ऐसे पेशेंट पाए गए हैं 24 घंटे में जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तमाम अलग अलग इलाकों से कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तरफ से अलग अलग स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो 18 हेल्थ कर्मी जो थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, उनको पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इस इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही दिल्ली सरकार अब पिछले आने वाले 2-3 दिनों में 1 लाख पेशेंट्स का टेस्ट करेगी जिनमें सिम्टम्स पाए जाएंगे, और केंद्र सरकार की तरफ से उनको रैपिड किट मिलने वाली है जिनमें 1 लाख लोगों का टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि अब तक अधिक मात्रा में टेस्ट नहीं हो गए थे, इस वजह से जो आंकड़ा है दिल्ली में या अन्य राज्यों में वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन टेस्ट के बाद पता चलेगा कि ये आंकड़ा और कितनी तेजी से उछाल आता है इसके अंदर। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से पीपी किट जो दी जा रही थी वो लगातार अब स्टेट्स को दी जाएगी, जिसमें से 27 किट्स दिल्ली सरकार को दी जो है वो यूपी को दी जाएगी, राज्य सरकार को और राजस्थान को भी दी जाएगी, क्योंकि राजस्थान में भी लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। टोटल 325 मामले आ चुके हैं राजस्थान में, चाहे वो बांसवाड़ा हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, चूरू हो, जैसलमेर हो, तमाम जगह पर कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। प्रीत किरण, मैं ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली के कड़कड़डूमा स्टेडियम में जिन लोगों को ठहराया गया है उनकी किस प्रकार से देखभाल की जा रही है, किस प्रकार से उनकी खाने और रहने की व्यवस्था की गई है? देखिए मनीषा, जिस तरीके से स्टेडियम को एक क्वारंटाइन स्पेस में बदल दिया गया है, ये कहा जाए कि जिस तरीके से लगातार तेजी से मरकज में मामला सामने आने के बाद दिल्ली में पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, सिम्टम्स लगातार एक एक करके लोगों में ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, 20,000 घर भी क्वारंटाइन कर दिए गए, इसके बाद इस स्टेडियम को अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया गया, ये कहे कि क्वारंटाइन स्पेस में बदल दिया गया। यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रॉपर किट दी जा रही है जो कि पहनकर वो पेशेंट्स के संपर्क में आ रहे हैं, पीपीई किट दी जा रही है और तमाम तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पेशेंट्स को हालांकि ब्रीफिंग भी दी जा रही है कि किस तरीके से मेंटली स्टेबल रखा जाए। तमाम जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम है, उनको ये कहा जा रहा है कि वो स्टेबल हो सकते हैं, कोरोना पूरी तरीके से कोरोना से मुक्ति पाई जा सकती है, और 3 से 4 टेस्ट में अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो वो उन्हें वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, चिकित्सा कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को लगातार पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार के संक्रमण फैलने की कोई गुंजाइश ना रहे।